ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपको कुछ उपाय, कुछ तरीके आज से अभी से ही अपनाना शुरू करना होगा, क्योंकि शनि का मूवमेंट आज बदल चुका है और इस मूवमेंट के बदलाव होने से आपकी राशि पर कई सारे प्रभाव होंगे। बहुत सारे जातकों पर नकारात्मक, बहुत से जातकों पर नेगेटिव और बहुत से जातकों पर पॉजिटिव प्रभाव होगा। कई बार हमें हमारी कुंडली के बारे में विस्तार से चीज़ें नहीं पता होती है कि एक्चुअल में स्थितियाँ क्या है हमारी ग्रह दशाओं की, कि एक्चुअल में हमारी कुंडली क्या इंडिकेट कर रही है। तो ऐसे किसी भी स्थिति से और इस शनि के बदलाव से, किसी भी नकारात्मक प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं, तो मैं जो चीज़ें आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ, इन्हें बहुत जल्दी करना शुरू करें और रेगुलरली करना शुरू करें, अन्यथा एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर हो सकता है। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया है और उसको चीज़ें नहीं देखी है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर आज से ही ऑब्जर्व करना है और समझना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जातकों के मुझे मैसेज आए दिन आ रहे हैं इस बदलाव के बाद, शनि के बदलाव के बाद। और फिर ये योग जो है, ये महासंयोग 30 वर्षों बाद बना है, तो उसके बाद ये स्थितियाँ और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो क्या करना है ये आप विस्तार पूर्वक समझ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखे। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी या कोई प्रश्न जो आपको बेचैन और परेशान कर रहा है, स्क्रीन पर नंबर हमारे चली रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहला काम आपको ये करना है, काला कपड़ा, उसमें काले कोयले, खड़े कोयला और नमक दोनों ले, अपने ऊपर से 21 बार उतार कर बहती नदी में प्रवाहित कर दे। इससे शनि संबंधी जितने सारे ऋण होंगे, वो ऋणों से आपको मुक्ति होगी, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए शनि के ऋण से हमें मुक्त होना ही होगा। दूसरा है कि झूठ बोलना जो एक हमारी प्रवृत्ति हो जाती है बहुत से जातकों की, उससे बचे, कोशिश करें सच बोलने की। नहीं सच बोल सकते हैं तो चुप रहें, चुप रहने में बहुत सी चीज़ें, पर कई बार कुछ जातकों की स्थितियाँ ऐसी होती है कि जिन्हें झूठ बोलना ही पड़ता है व्यापारिक श्रेणियों में, वहाँ पर कुछ चीज़ों पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि बहुत सारे जातक ओवर थिंक करते, बहुत ज़्यादा सोचा करते हैं, ऐसा ये वो, इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा सोचने वाले जातकों के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ भी हो जाए, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट और नकारात्मक नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओम नमः शिवाय।